दोस्तों बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो छोटे छोटे पैकेट में भी आता है, 1 रुपया करके 2 रुपया करके, और वो बड़े बड़े डब्बा में भी आता है। तो जो हम लोगों का कभी कभी हमारे मन में एक ख्याल आता है कि यार जो बड़ा वाला डब्बा है उसको ना ले करके अगर उसके जगह हम छोटे छोटे पैकेट को ही ले लें तो क्या होगा, उससे ज्यादा सामान आएगा, उससे लाभ होगा या हानि होगा। यानी कि अगर 100 रुपया का कोई डब्बा में ले रहे हैं और 100 रुपया का हम वही अगर पैकेट का ले रहे हैं तो क्या होगा, हानि होगा या लाभ होगा। जैसे हमारे पास यहाँ बहुत सारा शैम्पू है, ये डब्बा में भी है और इसका पैकेट भी है, 1 रुपया करके पैकेट है और यह डब्बा है, इसका जो कीमत है 45 रुपया है और 45 का ये पूरा पैकेट भी हमारे पास। तो आज हम यही चेक करने वाले हैं कि किस में ज्यादा प्रोडक्ट होगा, शैम्पू होगा इस डब्बा में या फिर छोटे छोटे पैकेट में। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसको चेक करना सही नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले किसी बर्तन में निकालेंगे और फिर दोनों को तोल करके देखेंगे किस में ज्यादा है। तो चलिए इसको हम पहले किसी बर्तन में निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास 2 बर्तन है, 2 थाली रखा हुआ है। तो दोस्तों पहले इस थाली को इस मशीन के ऊपर आप देख सकते हैं, अभी 0 बता रहा है इसको, इस थाली को इसके ऊपर रख दिए, 308 ग्राम बता रहा है। तब हम इसमें जो डब्बा में जो शैम्पू है वो सारा शैम्पू इसमें डालेंगे और फिर देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम ये जो थाली का वजन है 309 ग्राम, इसको हम 0 कर लेते हैं, इसको माइनस कर दिए तो 0 हो गया। अब इसमें डालते हैं शैम्पू को। तो पहले डब्बा वाला जितना शैम्पू सब इसमें निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डब्बा में जो भी शैम्पू सारा निकल रहा बाहर। तो दोस्तों इससे लगभग सारा शैम्पू निकल चुका है बाहर और आप देख सकते हैं इसका जो वजन बता रहा है, ये इसका जो वजन बता रहा है ये 65 ग्राम का बता रहा है। यानी कि इसमें जो शैम्पू है वो 65 ग्राम का है और इसमें लिखा हुआ होगा कहीं, इसमें लिखा हुआ 80 ml का, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 65 ग्राम ही है। और यहाँ जो डब्बा में आपको दिखा देते हैं, डब्बा में देखिए लिखा हुआ है, डब्बा में देखिए लिखा हुआ है 80 ml का। तो दोस्तों एक बार फिर से हम थाली को चार इसके ऊपर रखते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये 0 है और इसको हम इसके ऊपर रख दिए। अब देखिए ये 372 ग्राम बता रहा है। 71 आपको पहले दिखाया था, जो थाली का वजन था वो 307 ग्राम था और अभी इसका वजन जो है 372 हो गया। यानी कि ये 65 ग्राम ही है इस डब्बा में शैम्पू, 65 ग्राम ही है और यहाँ लिखा हुआ 80 ml का। तो चलिए अब हम दूसरा पैकेट वाला चेक करते हैं कि इस पैकेट में कितना है। तो इसके लिए हम पहले इस थाली को इसके ऊपर रख देते हैं और आप देख सकते हैं ये जो थाली इसका वजन है 322 ग्राम लगभग, 323 ग्राम। तो चलिए अब इसमें हम फटाफट सारा शैम्पू को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सारा पैकेट का जितना भी शैम्पू है उसको हम इस थाली में निकाल लेते हैं। तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो आपका टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने सारा पैकेट से जो है सारा शैम्पू निकाल लिया बाहर। ये पैकेट वाला है, ये जो है पैकेट का है और ये डब्बा का, दोनों का कंपनी सेम है। आप देख सकते हैं कंपनी दोनों का सनसिल्क का है और ये 45 रुपया डब्बा का है और ये 45 पैकेट था 1-1 रुपया का, यानी 45 रुपये का ये भी पैकेट का था। तो इसका जो वजन था थाली का वो 307 ग्राम था और जब हम आप देख सकते हैं इसको ऑन किया और जब हम शैम्पू के साथ इसको यहाँ लगाए तो लगभग 370 ग्राम लगभग आ रहा है, यानी कि लगभग 65 ग्राम का ये निकला। इससे जो शैम्पू निकला वो लगभग 65 ग्राम का निकला और सारा शैम्पू लगभग इससे निकल चुका है और जो पैकेट का है वो भी निकाल लिया और इसका जो थाली का वजन था वो 322 ग्राम था और अभी जो इसका वजन है आप देख सकते हैं 507 ग्राम का, यानी कितना ज़्यादा का डिफरेंट है दोनों के अंदर। यानी कि ये लगभग 200 ग्राम का अंतर है दोनों में, 200 ग्राम शैम्पू निकला इससे और इससे सिर्फ 65 ग्राम का निकला, जबकि कीमत दोनों का 45-45 ही है। ये 45 पैकेट था और ये 45 रुपया, यानी कि ये 200 ग्राम निकला इससे शैम्पू और इससे जो शैम्पू निकला सिर्फ 65 ग्राम का निकला, यानी 150 ग्राम का लगभग, दोनों में लगभग 150 ग्राम का अंतर है पैकेट और डब्बा में। दोनों का कीमत सेम है, दोनों का
कंपनी भी सेम है, दोनों कंपनी सेम है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा अंतर है, तो आप देख सकते हैं कंपनी इससे कितना ज्यादा मुनाफा कमाता है, छोटा पैकेट और बड़ा डब्बा से आपको अंदाजा लग गया होगा। तो दोस्तों अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पैकेट का लेना है या फिर डब्बा का, दोनों का अंतर आपको दिखा दिए कि दोनों में कितना ज्यादा कंपनी मुनाफा कमाता है डब्बा में और पैकेट में। जो पैकेट होता है वो प्रचार के लिए होता है, इसलिए उसमें क्वालिटी भी अच्छा रहता है, क्वांटिटी भी अच्छा रहता है, और डब्बा जो होता है वो उसमें थोड़ा लो होता है, आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, हम उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया देखने को मिला होगा, कुछ अलग देखने को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मित्र किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।